अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शाहनाज मल्टी कुजिन फूड। मेरी आज की रेसिपी है मीट बॉल ग्रेवी। ये ग्रेवी खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और मीट बॉल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और रेसिपी भी बहुत ही इजी है और क्विक बन भी जाता है। आई होप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक ग्राइंडर जार में 2 मीडियम आकार के काटे हुए प्याज ले। अब आधा कप कटा हुआ हरा धनिया और 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च ले। अब ग्राइंडर जार में 1/2 किलो कीमा डाल दीजिए। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, नमक डालें स्वाद अनुसार। अब 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल के सब कुछ एक साथ अच्छे से पीस लें। पीसने के बाद इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन मिलाएं। एक चम्मच सरसों का तेल डालें। अब सब कुछ एक साथ अच्छी तरह मिलाएं। अब 1 घंटे के लिए या रात भर के लिए ढककर फ्रिज में रख दीजिए। गरम सरसों के तेल में 1/2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 30 सेकेंड तक भूनिए। अब 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर डालें। अब 1/2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर डालें। दो मीडियम आकार के तला हुआ प्याज डालें और उसी के साथ थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से भूनें। दो बड़ा चम्मच काजू का पाउडर या पेस्ट डालें। अब सब कुछ एक साथ अच्छी तरह से भूनें। अब 1/2 कप फेंटा हुआ दही डालें और फिर से अच्छी तरह से भूनें। एक छोटा चम्मच चीनी डालें। अब पानी डालें और पैन को ढककर रख दें जब तक कि एक अच्छा उबाल ना आ जाए। अब मैरिनेट किए हुए कीमा में 1 अंडा डालकर अच्छी तरह से मिला लें। अब सेम साइज की बॉल बनाकर प्लेट में रख ले। अब कीमा के बॉल को ग्रेवी में डालिए।
पैन को मीडियम आंच पर 5 मिनट के लिए ढककर रख दे और इसके बाद पैन को धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए और रख दे। अब ये परोसने के लिए तैयार है। अब गैस बंद कर दीजिए। सभी स्टेप फॉलो करें और इसे अपने घर में बनाएं। मुझे उम्मीद है कि सभी को पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके आगे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं तो वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।